देश भर में आज मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारिका की रामलीला में शिरकत करेंगे। उपराज्यपाल मुख्यमंत्री केजरीवाल भी शामिल होंगे। साथ ही साथ देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में दशहरे की धूम है। मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर में दशहरा मनाएंगे। विजयदशमी के खास मौके पर रावण का पुतला दहन कई जगहों पर होना है और इस समय कई रामलीलाओं का मंचन चल रहा है। तो देखिए, ये त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत और भगवान राम के शौर्य और पराक्रम को बताने का त्यौहार और साथ ही साथ आज तमाम आयोजन इसको देखते हुए होने हैं। पूरे देश भर में विजयदशमी की धूम है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो आज इस खास मौके में विजयदशमी के खास त्यौहार पर गंगा जमुनी तहजीब की भी एक झलक देखने को मिल रही है। और आप देख सकते किस तरह से तैयारियाँ की गई, महीनों से ये तैयारियाँ चल रही थी, पुतलों को तैयार किया जा रहा था और आज इन पुतलों को जलाया जाना है, रावण दहन होना है। और ना सिर्फ रावण का पुतला बल्कि मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तस्वीर आप देख रहे हैं लखनऊ का ऐशबाग, जहां की जो रामलीला है काफ़ी प्राचीन है, अपने आप में ऐतिहासिक है और बताया जा रहा है कि काफ़ी पहले से ये प्राचीन परंपराएं चली आ रही हैं और भगवान राम की जो भव्य मूर्ति है इसको भी आकर्षक रूप दिया जा रहा है और सुबह यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। सत्य पर सत्य की विजय का पर्व विजयदशमी आज है और आज शाम में रामलीला के मंचन के बाद रावण का दहन भी किया जाएगा। इस वक्त हम ऐशबाग के रामलीला मैदान में मौजूद हैं। प्रभु श्री राम की ये प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है और यहाँ पे लोग जो है वो फूल चढ़ा रहे हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जो पुराने फूल हैं वो निकाले जा रहे हैं, नए माला जो है वो चढ़ाई जाएगी, पुष्प अर्पित किए जाएंगे। इस वक्त जो है ये जो प्रतिमा है वो काफ़ी भव्य है और सबसे पहले लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तुलसी रंगमंच रामोत्सव का मंचन यहाँ पे जो है वो किया जाता है, उसके तहत रामलीला का मंचन है और ये जो ग्राउंड दिख रहा है ये पूरा खचाखच भरा रहता है। पिछले दिनों लगातार कई VIPs भी यहाँ पर रामलीला देखने आ चुके हैं, चाहे कलराज मिश्रा रहे हों, AK शर्मा रहे हों, ब्रजेश पाठक रहे हों, तमाम लोग यहाँ पर रामलीला देखने आ चुके हैं। यहाँ पर रावण का पुतला अंदर रखा हुआ है और कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला भी यहाँ पर रखा गया है। तो ये तस्वीर साफ तौर पर आपको नज़र आ रही होगी कि लाल कलर का ये रावण जो है वो बनाया गया है और अलग अलग पुतले जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। रावण के 10 सर भी यहाँ पर बना कर रखे गए हैं। ये 10 सर ये रखे हुए हैं, ये अलग अलग सर हैं, आपको ये दिखा रहे हैं तस्वीरों में, इनको एक के बाद एक जोड़ दिया जाएगा। ये 10 सर जो है वो तैयार कर लिए गए हैं। रावण के पैर भी तैयार रखे हैं, आपको ये दिखा रहे हैं, ये पैर भी हैं उसके रावण के और साथ ही साथ और भी जो शरीर के अंग हैं, हाथ पैर, वो सारे के सारे तैयार हैं। बहरहाल खाली इनको फिट करना बाकी है। जहाँ पर बाहर मैदान में रावण जलाया जाएगा वहाँ पर इसकी फिटिंग खाली बाकी है और अब से शाम तक में इसकी फिटिंग भी कर दी जाएगी। रामलीला के मंचन के बाद इस रावण दहन की प्रक्रिया होगी और लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर रावण दहन करने के लिए, देखने के लिए पहुँचेंगे। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। और आपको बता दें कि देश भर में आज विजयदशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख शहरों और कस्बों में दशहरा की धूम है। इस खास मौके पर, विजयदशमी के खास मौके पर रावण का पुतला दहन होना है। कई जगहों पर रामलीला का आयोजन हो रहा है, मंचन हो रहा है। दशहरे पर नीलकंठ के दर्शन अगर हो जाए तो ये बहुत शुभ संयोग माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन अगर नीलकंठ पक्षी स्वयं दर्शन दे दे तो ये बहुत दुर्लभ संयोग होता है। दशहरा मेले को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आज दशहरा है और देखिए खास मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में पूजा का विधान है और कहा जाता है कि तमाम अगर टोटके आजमाए जाए आज के दिन, विशेष तरह से पूजा पाठ की जाए तो पूरे साल घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और आज जैसा कि सभी जानते हैं देश भर में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है और जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती, हालांकि प्रशासन का दावा है कि पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद हैं, संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
क्योंकि जो प्रथा है, परंपरा चली आ रही है पुतला दहन की, उसका निर्वहन भी होता है आज इस खास मौके पर, और ऐसे में बहुत जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अपने गृह जनपद में मौजूद है और आप देख सकते हैं तमाम जगहों की तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि महीनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, पुतले तैयार किए जा रहे थे, रावण, कुंभकर्ण, और तो इसमें पुतलों को अंतिम रूप दे दिया गया है और आज दहन किया जाना है। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में द्वारिका में खास तरह से रामलीला का मंचन होता है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को आज पहुंचना है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बॉलीवुड से अभिनेत्री कंगना रनौत भी पहुंचेंगी। देश भर में आज मनाया जा रहा है इस त्यौहार को, प्रदेश के प्रमुख शहरों और कस्बों में भी रामलीला की धूम देखने को मिल रही है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो ऐशबाग रामलीला मैदान में भी रावण दहन होना है, दहन से पहले तमाम तैयारियां, और अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी के क्राफ्ट मैदान में भी बहुत सारी तैयारियां हुई हैं, क्योंकि कलाकार यहां पर पहुंचे हुए थे, महीनों से तैयारियां कर रहे थे, और आज वो दिन है जो जिसे विजयदशमी के नाम से जाना जाता है, और सत्य पर असत्य की विजय पताका आज फहराई गई और पूरी तरीके से इसको मनाया जा रहा है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और कहा जाता है कि अगर खास पक्षी नीलकंठ के दिन के दर्शन अगर आज के दिन हो जाएं तो पल भर में किस्मत बदल जाती है। और बात बताएं आपको कि गोरखपुर में आज भव्य शोभा यात्रा निकलनी है, गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री इसको हरी झंडी दिखाएंगे, प्रभु राम माता सीता की आरती में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है और जब श्री राम रावण का वध करने जा रहे थे उस दौरान उनको नीलकंठ के दर्शन हुए। तमाम प्राचीन किंवदंतियां, लोक कथाएं इस पर्व से जुड़ी हुई हैं और ये भी कहा जाता है कि आज के ही दिन भस्मासुर का माँ दुर्गा ने वध किया था, इसलिए भी इसे विजयदशमी कहा जाता है। तो देखिए देश भर में इसकी तैयारियां, लोगों में उत्साह, बच्चों में उत्साह, और तमाम लोगों ने, देशवासियों और प्रदेशवासियों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजयदशमी को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। और इस वक्त मेरे साथ सत्येंद्र दास महाराज जी जुड़ चुके हैं, मुख्य पुजारी रामलला के। बहुत स्वागत है सत्येंद्र दास जी आपका, बहुत स्वागत भारत समाचार पर मेरे साथ। विजयदशमी का पर्व है, बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी लोगों को शुभकामनाएं। इसको किस तरह से देखा जाए, किस तरह की धूम, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए यह जो विजयदशमी है, शुभकामनाएं देता हूं क्योंकि विजय जिस पर का विजय और असत्य पर सत्य का विजय, और विशेषकर क्यों जो हमारे सनातन धर्म के विरोधी रहे, क्योंकि भगवान माता राम जी को पिरामो विग्रहवान धर्मा, वह परंपरा से आज भी उत्सव मनाई जा रही है। ये मनाने का उत्सव यही है कि यह उत्सव मनाइए और साथ साथ ये ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से ऐसे ही उत्सव मनाते रहेंगे तो हमारे देश में जो भी बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो देश के लिए बाधक हैं, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा और शुद्ध बुद्ध रूप से इसका कार्य संचालन होगा, क्योंकि जतो धर्म ततो जया, जहाँ धर्म होता है वहीं विजय होती है। तो धर्म के आधार पर चल करके, जैसे रावण जैसे अधर्मी को ये भगवान राम ने मारा था, क्योंकि वहां पर इस तरह से उसकी उसके कार्यक्रम रहे कि कहीं पर किसी क्षेत्र पे कहीं पर भी कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ ऋषियों के ये कुछ भी होने नहीं देता था और वो हमें सब जगह बाधा होती थी। तब भगवान राम इसीलिए होता है गोदुधेन देव हितकारी कृपा सिंधु मानस संधारी, तो उनका अवतार ही इसीलिए हुआ कि धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश, तो उस कार्यक्रम में करने के लिए उनको सफलता मिली और रावण जैसे अतताई का वध हुआ।
और उसके साथ साथ केवल उसी का नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार का, जो भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे, भगवान स्वयं लंका में जाकर के और सबका वध किया और धर्म की स्थापना की। तो उसी प्रकार से, क्योंकि जहां धर्म होता है वहीं पर विजय मिलती है, तो धर्म की स्थापना करने के लिए ही भगवान आए और उन्होंने स्थापना किया। इसलिए जो उत्सव हम मना रहे हैं वो इसी प्रकार से है कि सभी लोग इस उत्सव को मनावें और इसी प्रकार से सत्येंद्र दास जी आप तो वहीं पर मौजूद हैं, रामलला की नगरी है, उसकी भव्यता, उसकी रौनक, और हमारे देश के लिए कहा जाता है कि अनेक संस्कृतियों का जो समावेश है हमारे देश में मिलता है। यहाँ पर गंगा जमुनी एकता की भी मिसाल देखने को मिलती है, तो राम की नगरी में कैसी रौनक रहती है, अयोध्या में दशहरे की कैसी रौनक रहती है? देखिए अयोध्या में बहुत सुंदर ढंग से सब लोग वहाँ, सभी संप्रदाय के लोगों का मंदिर है, वहाँ जैन मंदिर है, वहाँ बौद्ध मंदिर है, और वहाँ पर भगवान राम के मंदिर हैं और भगवान शिव के मंदिर हैं, सभी प्रकार के मंदिर हैं, और सभी मंदिर के लोग अपने अपने ढंग से, अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने अपने परंपरा के अनुसार सब लोग वहाँ यह विजयदशमी मनाते हैं और सबके यहाँ इस तरह से जुलूस निकलते हैं और उत्सव होता है। इसलिए बहुत ही दृश्य वहाँ अयोध्या की ऐसी सुंदर दिखाई देती है जिसको देख करके लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं, प्रभावित होते हैं कि किस प्रकार से यही अयोध्या में पैदा हुए भगवान राम और जाकर के विजय प्राप्त किए थे। और दीपावली जो होती है वो भगवान राम के विजय आने के बाद ही प्रारंभ हुई है, जो दीपावली का प्रारंभ अभी शुरू हुआ है वहाँ अयोध्या में, और यह परंपरा से पहले से चली आ रही है। तो ये दीपावली उत्सव और विजयदशमी उत्सव, यह दोनों अपने सत्येंद्र दास जी, राजनीतिक अगर एजेंडों की बात करें तो यहाँ पर उसकी भी गतिविधियां बहुत तेज रहती हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का कहा जा सकता है मुख्य केंद्र बिंदु अयोध्या है, क्या इसका पॉलिटिकल कोई असर अयोध्या पर पड़ता है या अयोध्या की शोभा पर पड़ता है, क्योंकि भगवान राम तो सभी के हैं? देखिए अपने अपने ढंग से, अपने अपने विचारों के अनुसार वो लोग, जैसे शुरू से ही भगवान राम के समय जिस तरह राजकीय प्रवृत्तियां बाधा छोड़ती थी, लेकिन उस बाधा को पार करके और भगवान राम विजय प्राप्त किए थे, उसी प्रकार से यहाँ भी बाधा आती है जो उत्सव होते हैं उसमें, जो भी अपने अपने ढंग से लोग अपने परंपरा से कर, सब जगह बाधा राजनीति के कारण से आती है, लेकिन उस सारी बाधाओं को पार करते हुए उत्सव बड़े ही उत्तम ढंग से मनाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी वहाँ पे बाधा प्रभावित नहीं होती और जो हमारे उत्सव है या विजयदशमी का, वो पूर्ण हो जाते हैं। जी बिल्कुल, हालांकि ये थोड़ा सा पॉलिटिकल था, लेकिन इससे जुड़ी हुई तमाम मान्यताएं भी हैं, किंवदंतियां हैं, लोक कथाएं हैं जो हम लोग अक्सर बचपन से सुनते आए हैं। सत्येंद्र दास महाराज जी, हम चाहेंगे भारत समाचार पर हमारे दर्शकों को अगर आप कुछ खास सुनाना चाहें, कुछ फेमस बताना चाहें इससे जुड़ा हुआ, जो अभी किसी ने सुना ना हो, पता ना हो। देखिए ऐसा है कि क्योंकि ये धार्मिक है, यदि इसमें राजनीति जोड़ा जाए तब उसी प्रकार से है कि किस प्रकार से भगवान भी राजनीति के ढंग से, जब यहाँ से चले तो जैसे कोल, भील, बालू, वानर, ये सभी को एकत्रित किया और एक सेना अपनी बनाई। अयोध्या से जो अयोध्या की सेना थी, भगवान महाराज दशरथ की सेना थी, उसको न ले जा करके और अपनी सेना स्वयं उन्होंने तैयार किया और उसी सेना के माध्यम से और वहां जाकर के राक्षसों पर विजय प्राप्त की। तो इस प्रकार से उनकी, यदि इस राजनीति के दृष्टि से देखा जाए तो इसी प्रकार से आज भी राजनीति कर रहे हैं और जात पात मिला करके और चाहते हैं कि हमको किस प्रकार से सत्ता मिल जाए। तो सत्ता के प्रलोभी जो है वो ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि यतो धर्मस्य ततो जयः, जय वही विजय वही होती है जहाँ धर्म है। तो धर्म के अनुसार भगवान राम चले और इसीलिए उनको विजय प्राप्त हुई। जो लोग अधर्म के रास्ते चलते हैं वो पराजित होते हैं।
जाता है। शुरुआत से आप यहाँ से जुड़े हुए हैं, तब से आज तक कितना बदलाव देख पाए हैं, क्योंकि अब तो बहुत हाईटेक चीज़ें आ गई हैं, मुंबई से कलाकार आते हैं और भी विदेशों से लोग आते हैं इसका मंचन करने के लिए, मुख्यमंत्री आते हैं, और ये भी आरोप लगाया कि इससे पहले अनदेखी होती रही, कितना बदलाव आपने महसूस किया है? देखिए जी, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य है, क्योंकि वो बराबर वहाँ जाया करते हैं और जो भी उत्सव होता है उसमें सम्मिलित होते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और इसीलिए लोग जुड़ते हैं। ज्यादातर हमारे आदित्यनाथ जी, जो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनका जो आगमन हुआ करता है और पूरी समीक्षा करते रहते हैं हर कार्यों का, इसीलिए अयोध्या एक प्रकार से जो बन रही है, जो प्रयुक्त वहाँ उपस्थित हैं, उससे पता चलता है कि भविष्य में ये पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई देगी और लोग यहाँ के दर्शन करके सोचेंगे कि हाँ, यदि कोई नगरी है तो अयोध्या नगरी है, और इस प्रकार से हर विकास, हर क्षेत्रों का विकास वो करते रहते और देखते रहते हैं। बहुत कुछ बदलाव हुआ है पहले की अपेक्षा। जैसे भगवान राम पहले विवादित ढांचा में थे, फिर उसके बाद में, उसके गिरने के बाद में वह त्रिपाल में आए, 28 वर्ष तक त्रिपाल में रहे, अब 3 वर्ष से अस्थाई मंदिर में विराजमान है और वह समय आ गया है जनवरी 2024 की जनवरी निश्चित है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी और अपने भव्य दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। और यह अद्वितीय कार्य है और बहुत ही अद्भुत कार्य है, जो कि मंदिर जो बन करके तैयार हो गया है एक रथ, और दूसरा दर में आगे बनता रहेगा, और लेकिन गर्भगृह में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होकर के स्थापित हो जाएगी। जी बिल्कुल, आज की अगर बात करें तो दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं यहाँ की दशहरे को देखने के लिए, यहाँ की रामलीला को देखने के लिए और यहाँ के पुतला दहन के लिए, रावण को जलता देखने के लिए। किस तरह का माहौल रहता है, कैसी तैयारियां रहती हैं श्रद्धालुओं में भी, क्योंकि बहुत उत्साह रहता है, तो किस तरह के इंतजाम होते हैं, आज आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही उत्सव होता है क्योंकि यह दिखाई देता है कि किस प्रकार से रावण आतताई था, उसका रूप कैसा था और किस प्रकार के अत्याचार पापाचार करता था, और आज उस अत्याचार पापाचार के परिणाम ये है कि आज उसको जला दिया जाता है और जल करके भस्म हो जाता है। इसी प्रकार से जो भी देश के प्रति विरोध करते हैं, देश के विकास में रुकावट करते हैं, देश के उन्नत में बाधा है, वो सबका विनाश किसी रूप में होगा। जिस प्रकार से भगवान राम ने रावण का वध करके आज उनके भक्तगण उसको, उसकी प्रतिमा को किस रूप से जला करके दिखाते हैं, वैसे इन अतिताइयों का और विरोधियों का, धर्म विरोधियों का भी ऐसे ही विनाश होगा, जैसा कि भगवान राम ने रावण का विनाश किया, आवाज प्रतीक रूप में उसकी पुतला जलाई जाती है, वैसे ही जो लोग इस देश के विकास से विरोधी हैं, कुछ कथानक हो, कोई पुरानी कहा जा सकता है कथा हो इससे संबंधित, आप अगर सुनाना चाहें तो। देखिए, कथा बहुत से हैं, कथा कि भगवान राम किससे संबंधित है, क्योंकि यह राम और रावण की बात है। राम ने जो रावण की वध किया, जो दशहरा मनाई जा रही है, वो उन्हीं के विजय दशमी के रूप में मनाई जाती है, इसलिए यह सारे जितने भी कार्यक्रम है वो भगवान राम से संबंधित है, क्योंकि विजय उनके विजय की बात है। इसलिए ज्यादातर हम ये धार्मिक लेकर के और राजनीति के अन्य किसी प्रकार के मौलिक कथाएं या किसी प्रकार के दंत कथाएं इसमें जोड़ने की अपेक्षा मैं यही कहता हूं कि जो भी कार्यक्रम चलता है विजयदशमी का, वो राम के विजय का है और बिना रावण का विनाश का। बिल्कुल, चूंकि कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रि का समापन होता है, उसके ठीक बाद अश्विन मास की दशमी तिथि में आज विजयदशमी मनाई जाती है और ऋतु परिवर्तन का भी एहसास होने लगता है, सर्दियों की आहट होने लगती है। हाँ, ये निश्चित है कि यह विजयदशमी से ही इस प्रकार से मालूम पड़ता है कि जो हमारे शीतकाल है वो शीतकाल का प्रारंभ हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके, और परिवर्तन और माता जो हमारी करजू माँ है, करजू माता के उस जल प्रवाह में भी परिवर्तन आता है, उसमें बहुत ही स्वच्छता दिखाई देती है। पहले जब बाढ़ हो रही थी, अधिक पानी होता तो पानी जो होते हैं उनके वो धूमिल दिखाई देते हैं, लेकिन इस समय एकदम सुंदर ढंग के सरयू का प्रवाह हो जाता है, जिसको दर्शन करने से बहुत ही आनंद आता है।
और इसी प्रकार से उनको लोग अधिकांश लोग जाकर के सरयू में स्नान करते हैं, क्योंकि दरस परस मंजन और पाना हर ही पाप कहें वेद पुराना, ये शास्त्रों की बात है। शास्त्र के नियमानुसार लोग आते हैं और सरयू में स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद मठ मंदिरों का दर्शन करते हैं। जी देखिए, एक इससे जुड़ा हुआ एक ये भी कहा जाता है कि नीलकंठ को अगर आज के दिन देख लिया जाए तो बहुत शुभ होता है, बहुत सारे लोग टोटके करते हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं अलग अलग कहा जा सकता है हमारी संस्कृति में, इसको लेकर आप क्या? देखिए बहुत कुछ मान्यताएं हैं, आपको पता है कि जब समुद्र का मंथन होने लगा तो उसमें महाविष निकला, और विष निकलने पर तो ये हुआ कि भाई इस विष को तो पूरे देश को नाश कर देगा, अब इसको रोकने वाला कौन हो, तब भगवान शंकर का आह्वान किया गया और जा करके उस विष को ग्रहण किए, जिससे उनका गले में रोक लिया, और गले में रोकने के लिए इसे नीलकंठ हो गया, भगवान का कंठ जो है नीला हो गया, इसलिए भगवान राम का भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भी है, और इसलिए नीलकंठ देखने के लिए उसी प्रकार के विषय संबंधी जितने भी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब का विनाश हो जाता है, इसलिए आज उनको उन्हीं का प्रतीक, उनके कंठ का प्रतीक जो नीलकंठ है उसको देख करके लोग देखने का प्रयास करते हैं, लोग दिखाते भी हैं और देख करके लोग बहुत हर्षित और प्रसन्न होते हैं, और यही सोचते हैं कि इस प्रकार के विषय का समापन हो गया था और किसी प्रकार का प्रभाव नहीं हुआ, बल्कि अमृत बाद में निकला तो अमृत के माध्यम से सभी लोग को अमृत मिला, जिनको मिला वो अमर हो गए और देवता लोगों में मिला, इसलिए अमृत का और विष का दोनों का प्रादुर्भूत हुआ, दोनों में विष का विनाश हुआ और अमृत का प्रकाश हुआ। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहा जाता है महाराज जी कि हर अयोध्या वासी में भगवान राम बसते, क्योंकि भगवान की नगरी है अयोध्या, वहाँ पर सरयू नदी है और कण कण में भगवान राम आज भी विराजमान है, आप शोभा हमेशा से देखते आ रहे हैं, किस तरह से वहाँ की भव्यता दिखती है, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण भी चल रहा है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ता जा रहा है, किस तरह का आप देख रहे हैं? देखिए बहुत सुंदर है, भगवान राम के स्वयं अपने कहते हैं कि यद्यप सब वैकुंठ मखाना वेद पुराण दिव्य जग जाना अवध समान नहीं कोई या प्रसंग जाने कोई कोई, कहते हैं कि अयोध्या जैसा हमारा वैकुंठ है जरूर जहाँ मेरा निवास है, लेकिन जितना प्रिय हमको अयोध्या है, अयोध्या के वासी है अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, उतना कोई नहीं है किसी भी लोक में नहीं है, तो इस प्रकार की भगवान की बातें जो प्रदर्शित की जाती है वो यही है कि अयोध्या के हर व्यक्ति भगवान श्री राम को प्रिय है, और वह प्रियता इसी रूप में है कि साजू जी सालों की साजिश से सामिप्य कई चार प्रकार की उनको इच्छा अनुसार मुक्तियां प्राप्त होती हैं, और अवध तजे नहीं तन संसारा, और अयोध्या में जिसकी मृत्यु हो जाती है वो पुनः संसार में नहीं आता, आवागमन उसका मिट जाता है, इसलिए सारी भगवान के मुखारविंद से आई है कि जन्म भूमि पूरी सुहावन उत्तर दिश वह सरयू पावन। बिल्कुल, और आप खुद ही बता चुके हैं, स्वयं बता चुके हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना लगाव है अयोध्या से, और वो अक्सर पहुंचते रहते हैं, खुद वहां पर हर चीज का जायजा लेते हैं, और इसी वजह से काफी बदलाव भी संभव हो पाया है। देखिए इतना पहले भी पैकेज आते थे अयोध्या के विकास के लिए, कोई काम नहीं होता था, सब कागज में होता था, लेकिन मुख्यमंत्री के जाने से परिणाम है कि धरातल से दिखाई देता है, और उन्होंने वो घोषणा किए हैं कि हम इस अयोध्या को त्रेता युगी अयोध्या बनाएंगे, जिससे जो भी यात्री और जो भी यहाँ हमें दर्शन करने के लिए वो अपने आनंदित हो जाए, आनंद उनको प्राप्त हो इनकी सुंदरता को देख करके, इसलिए उनका प्रयास यही है कि अति सुंदर नगरी अयोध्या बनाई जाए, और बनाने के लिए उनका कार्य शुरू हो गया है, वहाँ एरोप्लेन की व्यवस्था हो रही है, अभी तो शुरू नहीं हुआ है, का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है, और महाराज जी हम चाहेंगे कि अयोध्या की तरफ से हर एक भारतवासी को आप एक संदेश जरूर दीजिए। देखिए जिस प्रकार से भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके और आज हम उनकी विजय दशमी मना रहे हैं, उसी प्रकार से समस्त अयोध्या के माध्यम से ही मैं इस समय इटावा में हूँ और इटावा से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अयोध्या के उस स्थिति को बताना चाहता हूँ कि इस विजय दशमी के माध्यम से
सभी देशवासियों को मैं शुभकामनाएं रामलला जी की ओर से देता हूं, और जिससे कि जिस प्रकार से भगवान राम विजय प्राप्त किए हैं उसी प्रकार से आप लोग भी काम क्रोध लोग मत्सर जितने भी विकार हैं उस पर आप विजय प्राप्त करें और सदा सुखी रहें, प्रसन्न रहें और देश का विकास होता रहे और उसमें आपका योगी बने। बहुत शुक्रिया भारत समाचार के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थे मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज जी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी